पोटेंशियल है और ये बच्चे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मैंने इनके पोटेंशियल को देखा है। हो सकता है ये बातें आपसे डायरेक्ट ना हुई हो, बट शी हैज ऑब्जर्व ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, दैट इज द ओनली रीजन शी इज योर प्रिंसिपल एंड शी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी माइंडसेट। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको सर बेसिक एक बैकग्राउंड बता देता हूं। मेरा नाम संदीप बत्रा है एंड आई हैव ट्रेवल्ड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड आई एम गोइंग टू शेयर द सेम विद यू इन द मीडिया ओनली। आई स्टार्टेड माय करियर विद इंडिया टुडे, देन मूव्ड ऑन टू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एंड फ्रॉम देयर आई हैव मूव्ड टू एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड फॉर एंटायर 13 टू 14 इयर्स ऑफ माय करियर। And after that, one fine day, I thought I should contribute my intelligence. आपके साथ में मैं शेयर करने आया हूँ और मेरे साथ में मिस्टर अमित चौधरी जी भी हैं, जो आपकी मैथ्स की फोबिया को दूर कर देंगे। मैथ्स मींस वेरी सिंपल, वो इतना सिंपल करके आपके सामने रख देंगे कि आपको कभी मैथ्स में कोई टेंशन नहीं होगी। सो हम लोग दोनों बातें करेंगे, अपनी लाइफ स्किल्स को लेकर भी और साथ में मैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैथ्स के बारे में बैकग्राउंड में छोटा सा इनके बारे में बता दूं। अमित चौधरी जी मैथ्स में एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन एक ही चीज थी इनके दिमाग में, क्वेश्चन मार्क, ये ऐसा क्यों, ये फॉर्मूला है तो ऐसा क्यों। सो उस फॉर्मूले को ऐसा क्यों में जब उन्होंने जवाब अपने सीनियर से मांगा तो सही जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने उस फॉर्मूले का ही डाइसेक्शन कर दिया और एक फॉर्मूले से पौने 2000 तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बनाया और किताब लिखी। उस किताब को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने इनकी किताब का इनॉग्रेशन किया। बस एक ही जिद थी कि मुझे कुछ करना है और वो एक एवरेज स्टूडेंट मैथ्स का राइटर बन गया। खाली राइटर ही नहीं बना, कम से कम 11 से 12 स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपने पैनल पर लेकर मैथ्स के शोज रखाए आप जैसे बच्चों के लिए, सो दैट आपके अंदर वो इंटेलिजेंस ट्रांसफर हो पाए और आप उस चीज को सही से लाभ उठा पाए। मैं अमित जी से चाहूंगा कि कुछ डिसिप्लिन में रहिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे पास बहुत अच्छा है। जब मैं आपके ऑफिस में गया था प्रिंसिपल मैम के, उनका ये फीडबैक था कि ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये जिस जगह पे भी जाते हैं, कोई भी ऐसे कंपटीशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अवार्ड लेते हैं, लेकिन अगर वो और ढंग से तैयारी करें तो उनको रैंकर होने के बाद। हम लोग यहाँ जो आए हुए हैं वो आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ सिस्टम बताने के लिए मैथमेटिक्स में, या हमारे संदीप भाई आपको कुछ लाइफ स्किल के लिए प्रोग्राम देंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सेशन लूँगा संदीप भाई की बात सुनकर, लेकिन उससे पहले मैं आपको संदीप भाई जी को जब स्टडी कर रहे हों, जब आपको क्लास दे रहे हों, तो आपको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि वही पॉइंट मैं अपने मैथ में यूज करने जा रहा हूँ, राइट। तो आप संदीप जी को केयरफुली और बड़े मेडिटेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिएगा। एक एक पॉइंट मैं जो संदीप भाई लेके वो मैं मैथ से आपके साथ दूंगा और उसी पॉइंट से मैं मैथमेटिक्स सॉल्व करूंगा, राइट। तो आप संदीप जी को आप सुनिएगा, आपके लाइफ में जो चेंज होगा और जो आप सब्जेक्ट के कंसर्न आप सीखेंगे वो मैं भी आज की डेट में मैं सीख रहा हूँ संदीप भाई से, तो आप भी सीखेंगे। संदीप जी पहले आप कंटिन्यू करिए, फिर मैं आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है मेरे बच्चों के अंदर एनर्जी थोड़ी कम हो गई है ना? ये हलीम पब्लिक स्कूल के बच्चे नहीं है। गुड मॉर्निंग। यस, ये जो एनर्जी है ना, जो अभी दूसरी बारी में आई थी, अगर ये हमारी लाइफ में आ जाए तो बात ही क्या है। अगर इतनी इंटेंसिटी से अगर हमारी लाइफ में हमारी थॉट्स चलने लगे सो वी विल बी ऑन द टॉप। और एक चीज क्लियर है, ये जो सेशन शुरू हो रहा है, इस सेशन में मैं ये चाहूंगा हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और पीछे वाली लेन में जो लोग बैठे हैं वो ये ना सोचे कि वो मेरे से दूर हैं। आप सब भी मेरे उतने ही पास हो जितने आगे वाले हैं
और आप सबका मैं चाहूंगा मेरे साथ में पार्टिसिपेशन। आप लोग मेरे साथ हैं? वेरी गुड। ये सेशन जो अभी शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों, ये सेशन हमारे को कुछ बैक से रूबरू कराएगा, कुछ ऐसे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ से, जहां पर यदि हम अपने आप को कनेक्ट कर पाए तो एक छोटी सी कनेक्टिविटी ही हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। कितनी बारी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, कितनी बारी ऐसा हुआ कि कभी आप लोगों ने ये सोचा हो, किसी की बात सुन ली हो और आपके दिलों जहन में बैठ गई हो कि नहीं वो बात सही थी, मुझे वो नहीं ये करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। वेरी गुड। आज भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और इस बात को बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, ये समझना कि हमारी लाइफ में why we are here as a human being, why we have given birth on earth as a human being, why, how many living beings are there on the earth, what kind of living beings are there on the earth, the moment we say living being, उन living beings के नाम क्या है बता सकते हो? Living beings किस category के होते हैं बताओ बेटा कोई? आप लोग तो बहुत सीनियर हो। लिविंग बींग्स क्या होता है? बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। लिविंग बींग्स बोलो बेटा, एनीबॉडी? हाँ जी, होमो सेपियंस। वेरी गुड। कैटेगराइज करते हैं वो नीचे नीचे वर्टिकल्स में। कुछ लिविंग बींग्स फ्लाई करते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं। जो फ्लाई करते हैं लिविंग बींग्स, क्या वो ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं वो हो सकते हैं हमारी तरह? नहीं हो सकते। That means we are special. We are the one who has been given a special character, special position. और वो human being अगर हम हैं तो हमारे अंदर वो potential है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं।